अगर आपको भी इतने मज़े का आलू अंडे का सालन बनाना सीखना है तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी, ताकि आप इतने मज़े का आलू अंडे का सालन बनाना सीखें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है कुकिंग विद गुनाज यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनाज यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी, जिसके लिए चाहिए हमें अंडे। हमने देसी अंडे लिए, हमने एक दर्जन अंडे लिए देसी, आपकी मर्जी हो तो आप फार्मी ले लिए, इसे हमने बॉईल कर लिया है। इसके बाद चाहिए हमें आलू, ये हमने आधा किलो आलू लिया, हमने इस शेप के काटे, आपकी मर्जी हो तो आप छोटे काट लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए एक प्याली दही। इसके बाद हमें चाहिए प्याज, हमने दो मीडियम साइज के प्याज लिए जिसे हमने बारीक काट लिया। उसके बाद चाहिए हमें हरी मिर्च, ये हमने 10 हरी मिर्चें लिए जिसे हमने बारीक पीस लिया है। एक खाने का चम्मच इसमें हमें लहसुन चाहिए और एक खाने का चम्मच इसमें अदरक चाहिए जिसे बारीक पीस लिया। इसमें हमने 10 लाल मिर्चें लिए जिसे बारीक पीस लिए। इसके बाद हमें चाहिए एक चम्मच हमने देगी लाल मिर्ची लिए, आधी चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी लिए और एक खाने का चम्मच इसमें नमक लिया। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए एक चाय का चम्मच गर्म मसाला, जो हम लास्ट में डालेंगे, और इसमें हमें खड़ा गर्म मसाला चाहिए। चाय का चम्मच हमने सफ़ेद जीरा लिया और आधी चाय का चम्मच काला जीरा लिया, और एक बिरयानी स्टाल लिया, चार पाँच काली मिर्चें लिए, दो दालचीनी स्टिक लिए, दो बड़ी इलायची लिए और लौंग लिए चार। इसके बाद हमें चाहिए तेल एक प्याली। चले हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल फ्री। देखिए पतीला हमारा गर्म हो गया, अब उसमें डालेंगे सबसे पहले तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला। देखिए प्याज गोल्डन हो चुके हैं, लाइट गोल्डन हमने कर लिया, हमें इतने ही चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, जो हमने आपको बताया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला डाल दिया, बस इसको हिलाएंगे और इसी के साथ डाल देंगे इसमें आलू, जो आलू आपको बताए थे वो डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल दिए इसमें, अब इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि जो प्याज का कलर है वो निकल जाए, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक हरी मिर्च और सारा मसाला भी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, और लाल मिर्चें, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब इसका मसाला भुनेंगे। ये सूखे मसाले जो हमने आपको बताए थे, लाल मिर्ची, नमक वगैरह, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने सारे मसाले डाल दिए, अब इसका मसाला हम भुनेंगे अच्छी तरह से। फिर इसके बाद डालेंगे हम इसमें दही, इसका मसाला भुनेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद फिर इसमें दही डाल देंगे। देखिए इसका मसाला, आलू ग्रेवी का मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसमें अब हम डाल देंगे दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि दही डाल के भी हम भूनेंगे इसको मसाले को, तो हम दही डाल के इसको भून लेंगे जब तक दही का पानी खुशक नहीं हो जाता। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक दही का पानी खुशक नहीं हो जाता, फिर इसमें हम कर देंगे पानी। देखिए अंडा ग्रेवी का जो मसाला हम भून रहे थे, उसका मसाला भून चुके, हमने दही डाली थी, दही का पानी भी खुशक हो गया, आप देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम करेंगे पानी, हमने पानी गर्म करके रखा हुआ है, और इसमें हम करेंगे दो गिलास पानी करेंगे, सिर्फ आलू जो है वो गल जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आलू के गलने जितना पानी करेंगे, क्योंकि अंडे तो बॉयल है और हमें ज़्यादा शरवा भी नहीं चाहिए, बस हम इतना ही पानी करेंगे इसमें, और फिर आपको दिखाते हैं आलू गलने के बाद। देखिए अंडा ग्रेवी का सालन जो है हमारा तैयार हो गया है, अब इसका हम आलू चेक करा देते हैं आपको। ये देखिए आलू जो है इसका बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गल गया आलू। अब इसमें डाल देंगे अंडे जो हमने बॉयल करके रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अंडे डाल के और धनिया गरम मसाला डाल के इसको हम सिर्फ 5 मिनट दमपक पर रखेंगे, ताकि अंडों के अंदर जो है वो मसाला चले जाए, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमने सारे अंडे डाल दिए इसमें, अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया। सालन हमारा तैयार हो गया है, इसको डिश आउट, इसको ढकेंगे दमपक पर 5 मिनट।
इसको हम दम पर छोड़ देंगे। देखिए हमने सालन को दमपक पे रखा था 5 मिनट के लिए, सालन दमपक पे हो गया है और सालन हमारा तैयार भी हो गया है। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये तैयार हो गया। अब इसका हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको बस 2 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन ढक के रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे डिश आउट। देखिए आज हमने आपको आलू अंडे का सालन बनाना सिखाया, जो बहुत मज़े का बना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। इसमें हमने देसी अंडे डाले हैं, आप चाहें तो फार्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें देसी अंडों का पसंद है तो इसलिए हमने देसी अंडों का बनाया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मज़े का बिल्कुल सिंपल तरीके का बना है। और हमने आपको अंडा घोटाला भी बनाना सिखाया था और आज अंडा ग्रेवी बनाना सिखाई है, दोनों ही बहुत मज़े के बने थे। अंडा घोटाला भी बहुत मज़े का बना था और अंडा ग्रेवी जो है वो भी बहुत मज़े का बना है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की डिश आपको कैसी लगी है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छी अच्छी डिशें बनाना सिखा सकें। अगली डिश के लिए अल्लाह हाफिज़।